पप्पू तुझे पता है ना बापूजी को ज्यादा ऐसी सत्ता नहीं है। पता है पापा। तो पता है तो क्यों चालू किया? मैंने ही बोला था उसे ऐसी चालू करने के लिए। क्यों? क्योंकि गर्मी में टप्पू को बिना ऐसी नींद नहीं आती है, उसे अच्छे से नींद आ जाए इसलिए मैंने ही उसे बोला कि तू ऐसी चालू कर ले। देख देख टप्पू देख, बेचारे बापूजी तेरे लिए कितना सहन कर रहे हैं, और तुझे एक बार भी दादाजी का ख्याल नहीं आया कि दादाजी के लिए मैं थोड़ी गर्मी सहन कर लूं, एसी की जगह पंखा चालू करके सो जाऊं। पापा मैं तो बिना एसी के ही सोने वाला था, लेकिन दादाजी ने मुझे एसी ऑन करने के लिए कहा था। कोई बात नहीं, मैं अभी एसी ऑफ कर देता हूँ। नहीं नहीं, तू एसी चालू रहने दे, मैं जेठिया के कमरे में सो जाता हूँ। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे? नहीं नहीं बस कुछ नहीं। हाँ तो चल, वैसे तू यहाँ क्यों आया था? वो एसी का रिमोट लेने। क्यों? मेरे कमरे का एसी का रिमोट की जो बैटरी है वो खत्म हो गई है, तो रिमोट चल नहीं रहा है। वाह, टप्पू को भाषण दे रहा था, गर्मी में सो जाना चाहिए, पंखा चालू करके सो जाना चाहिए, लेकिन खुद तो बिना एसी तो सो नहीं सकता। आ गया एसी का रिमोट ढूंढने अंदर में, रिबा खाते खाते। सॉरी, बराबर मैं पंखा चालू करके सो जाता। सॉरी वालो, कोई जरूरत नहीं है पंखा चालू करने की। बापूजी पंखा भी नहीं, अरे एसी भी नहीं, पंखा भी नहीं, तो इतनी गर्मी में मैं कैसे सो सकता हूँ बापूजी? अरे मेरा मतलब है पंखा चालू करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुझे भी बिना एसी के नींद नहीं आती है, इसलिए एसी का रिमोट लेके जा और एसी चालू करके आराम से सो जा, मैं बाहर हॉल में सोफे पे सो जाऊंगा। अरे नहीं नहीं दादाजी, आप बाहर क्यों सोएंगे, आप यहीं सोइए, क्योंकि एसी और मेरी नींद से ज्यादा आप प्यारे हैं मुझे। वाह शाबाश बेटा। नहीं बराबर है टप्पू, लेकिन बेटा बिना ऐसे के तू सो नहीं पाएगा, और तू सो नहीं पाएगा तो तुझे देख के मैं भी सो नहीं पाऊंगा। एक काम कर सकते हैं, जिसे एसी चालू होने पर भी आपको ठंडी लगेगी। कैसे? दादाजी आपको भचाओ वाला स्पेशल कंबल है ना, जिसमें बिल्कुल ठंड नहीं लगती है, मैं वो कंबल निकालता हूँ और आपको उड़ा देता हूँ। हाँ बराबर, जा ले। बापूजी का मफलर और स्वेटर भी ले लेना बेटा। हाँ पापा। ये लीजिए। ला। ये मफलर है बापूजी। एक, हाँ ये स्वेटर ले, आपको मदद करता हूँ मैं। बाबूजी ये तो ऐसा लग रहा है कि आप बिस्तर में सोने नहीं, हिमालय में पर्वतारोहण करने जा रहे हैं। टप्पू ये सब उठा तो दिया है बापूजी को, लेकिन फिर भी थोड़ी देर बाद एसी बंद कर देना बेटा। अरे नहीं नहीं भाई, अभी एसी बंद मत करना, नहीं तो मैं तो पसीना पसीना हो जाऊंगा। तो ये सब निकाल देना बापूजी। अरे तो फिर ठंड लगेगी ना, तो फिर से पहन लेना। पूरी रात के मैं ये करता रहूं, निकालू पहनू पहनू निकालू। जा जा भाई तू जा, यहाँ से निकलू मतलब निकल और जा अपने रूम में, जाके एसी चालू करके सो जा। टपुड़ा तू इसे एसी का रिमोट दे दे। ये लीजिए बाबा। कहाँ था रिमोट? मेरे तकिए के नीचे। अरे मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया। चलना भाई मिल गया ना, अभी जा ना तू। हाँ अरे ये
ऐसे बंद हो गए? नहीं नहीं, बस चेक कर रहा था बापूजी कि चल रहा है कि नहीं, क्योंकि क्या है फिर मेरे कमरे में जाके पता चला कि नहीं चल रहा है तो वापस आना पड़ेगा ना इधर। वापस क्यों आना पड़ेगा? ये रिमोट वापस देने के नहीं चल रहा है। अरे वो तो सुबह भी वापस दे सकता है ना, अभी रात को ही तुझे वापस क्यों करना है? अरे तू जल्दी ए सी चालू कर ले भाई, मुझे गर्मी लग रही है। अरे कर ले चालू। पता ही नहीं हो रहा है। तो हो गया हो गया हो गया ए सी चल रहा है, रिमोट चल रहा है। चल ही रहा है भाई, तू जा ना। आप सो जा, आपको सोला के फिर मैं जाता हूँ। अरे मैं सो जाऊंगा, तू जा। अच्छा टप्पू, पप्पू जी सो जाए फिर ये भी जरा उठा दे। अरे वो उठा देगा, तू जाके सो जाना भाई। ओके, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। गुड नाइट पापा। दादा जी एक मिनट रुक, चश्मा रख। हो गया चालू एसी। वाह। मजा आ जाएगा। मोटी कमर। ए रुक ए रुक, भाग जा किधर है डरपोक। उड़ गए ना तोते पोपटलाल।